हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त और ये 16 अगस्त को मैं पोस्ट करूँगा। तो इस स्वतंत्रता की लड़ाई कैसे लड़ी गई वो बताऊँगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये वर्ली आर्ट पीछे बनी हुई है और आगे वॉल पेंटिंग की हुई है, बहुत खूबसूरत ढंग से बनाई हुई है। इसमें यहाँ महाराष्ट्र की झांकी उकेरी गई है इस दीवार पर। महाराष्ट्र में किस तरह का जनजीवन है, मतलब गाँव में यहाँ पर खेती जो होती है वो मत्स्य की खेती होती है, तो उसी के बारे में ज़्यादा है। मत्स्य यानी मछली पालन और आज़ादी की कहानी मैं बताऊंगा आपको। और अभी तक देखिए आपने मछलियाँ, और इधर है मछली मार्केट, इसके आगे सीधा मछली मार्केट। इसके साथ साथ मैं आपके आज़ादी की कहानी बताता हूँ। ये ट्रेन में हम चढ़ गए, बोरीवली जाना है। दो काम है, एक काम एक बैंक में है और दूसरा एक सावरकर जी की पार्क देखने के लिए। सावरकर जी का पार्क देखने के लिए जाना है बोरीवली। यहाँ पे ऐसे जाना पड़ता है, कहीं भी जाना हो तो भीड़ रहती है, तो खाली है। असली भीड़ तो ऐसी होती कि आपसे चढ़ा ना जाए। ये स्टेशन है यहाँ के, इस स्टेशन के बाद समुद्र शुरू, ये नया गांव का स्टेशन है, इसके बाद समुद्र शुरू हो जाता है और उसके बाद से फिर मुंबई लगता है। मतलब मुंबई हमारे से 5-6 किलोमीटर दूर है, लेकिन मेन मुंबई तो गेटवे ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, तो वो हमारे से पड़ता है 70 किलोमीटर। लेकिन जो मुंबई का ही यह है, समुद्र के बाद जो है ये आया पुल, और इस पुल में देखो बहादुर लोटरी लटके हुए, बाहर बहादुरी करनी पड़ती है। यहाँ पे अंदर जगह नहीं होती तो लटकना ही पड़ता है बाहर। तो ये पुल है, पुल आया और यहाँ से पहला शुरू हुआ एक हिस्सा। ये समुद्र का हिस्सा है, जैसे समुद्री नाला होता है उस तरह का है ये एक पहला। काफ़ी चौड़ा है ये, काफ़ी लंबा पुल है। और ये दूसरा है, ये मैंने आधे से दिखाया, बहुत पीछे से, बीच में टापू बना हुआ। आप ये टापू खरीद सकते हैं, आपका अंबानी होना ज़रूरी है, तो आप इस टापू को खरीद सकते हैं। ये बीचों बीच में है, वो देखो पूरा समुद्र है इधर से, और ये ईस्ट साइड का दिख रहा है। वेस्ट साइड में देखेंगे तो समुद्र से मिलता हुआ दिखाई देता पूरा, ये ईस्ट साइड है, वहाँ पे आगे पहाड़ हैं। लेकिन वेस्ट साइड में मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि इस साइड में भीड़ बहुत है और नीचे पानी, समुद्र का ही पानी है। और यहाँ पे ख़त्म होता ही, तो अंग्रेज़ों ने भारत कैसे छोड़ा था उसके बारे में बताएंगे। वो कहानी के बिल्कुल लास्ट में है, आप ज़रूर देखिए, बहुत मज़ेदार कहानी है। किस तरह परफॉर्म किया लोगों ने, किन लोगों ने परफॉर्म किया वो देखिएगा। एक ही काला सच है यहाँ का, झुग्गी झोंपड़ियाँ। माया नगरी में पीछे बड़ी बिल्डिंग है, आगे झुग्गी झोंपड़ियाँ। तो ये रेलवे के किनारे बनी रहती हैं, रेलवे के खाली ज़मीन में बनी रहती हैं, और पीछे बिल्डिंगें रहती हैं जो मेन जगह होती है। ये भी क्या बोरीवली रेलवे स्टेशन, और आज है 15 अगस्त, और इधर एक काफ़ी बड़ा झंडा बिल्डिंग के बराबर का। और नीचे जिस ट्रेन में ज़्यादा चल पड़ी है लोकल,
बढ़िया लग रहा है। ये मैं हूँ बोरीवली स्टेशन और ये नीचे लगा हुआ मार्केट, फलों का सब्जियों का मार्केट, पूरा फल सब्जी का मार्केट लगा हुआ है बोरीवली। पीछे है बोरीवली रेलवे स्टेशन, रोड जा रही है। बेस्ट की बस चल पड़ी और ऊपर से मेरे को एक कबूतर दिख रहा है, मैं करके आ रहा हूँ, छुप रहा है कि क्या कर रहा हूँ। सब इधर को जा रहे हैं और ये मछलियाँ किधर को जा रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। पंजाब एंड सिंध बैंक कहाँ पर है, नज़दीक नाला सुपारा के। तो ये मिला हमें बोरीवली में, बोरीवली मोहर पार्क एलटी रोड रेलवे स्टेशन से 15 मिनट की पैदल की दूरी पे है ये। आज 15 अगस्त तो बैंक बंद है, तो आज मैं सिर्फ देखने आया था, बाकी अपने स्कूल का काम जरा यहाँ से चलाएंगे। और यहाँ बोरीवली पे है स्वतंत्रीय वीर सावरकर उद्यान, मतलब स्वतंत्रता के वीर सावरकर का उद्यान है यहाँ पे, मराठी में लिखा हुआ, जरा पढ़ा नहीं जा रहा। फ्रीडम फाइटर, और ये गेट है उद्यान का मेन गेट, सावरकर उद्यान का मेन गेट ये है। और अभी अंदर जाके देखते हैं, 500 रुपये टिकट अंदर जाने का। सावरकर जी के नाम से उद्यान बना हुआ है यहाँ पे, और एक तालाब के बीच में सावरकर जी की मूर्ति ये लगे हैं। काफ़ी सुंदर सी जगह बनी हुई है, बीच बोरीवली गहमा गहमी जगह है, यहाँ पर जगह नहीं है, उसके बीच में भी एक अच्छा बनाया हुआ। उधर उधर भटक के बैठी हुई, यहाँ दिखेंगी भी नहीं, वहाँ पर जाके देखता हूँ अभी। इधर बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, इधर लगे हैं बच्चों के लिए झूले। इधर ये प्ले की रिहर्सल, ये थिएटर के लोग हैं, प्ले का रिहर्सल कर रहे हैं यहाँ पे। बीच में से कुछ खजाना मिल गया लग रहा है, लगा खोदने में, पूरा खोद के जाएगा यहाँ से। ये थिएटर किसी प्ले का रिहर्सल हो रहा है और लगे मेहनत करने में बंदे। ये है मराठी प्ले, मराठी प्ले का हो रहा है ये रिहर्सल। और ये है वीर सावरकर जी का उद्यान, स्वतंत्रता सेनानी। और ये है बोरीवली में, बोरीवली के बीच में काफ़ी बड़ा पार्क है, ये काफ़ी खूबसूरत पार्क है। और एक बत्तख किनारे पे इंतज़ार कर रही है अपनी बारी का, मैं कब तैरूंगी, इसका थोड़ा सा मुआयना लिया जाए अगर बैटरी बची रही तो। डकलिंग, गोरे आक्रमण करने आ रहे हैं भारत पे, ब्लैक पे। ओहो, हमला हो गया लग रहा है, गोरे भाग, गोरे को भगा दिया।